हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेड बायोगेन वंस अगेन। दोस्तों, आप सभी लोगों के कभी ना कभी मसल्स में पेन या फिर जॉइंट में पेन होता ही होगा। और दोस्तों, जो जब एज आपकी 30 या फिर 40 के अबव हो जाती है तो आपकी मसल्स में या फिर जॉइंट्स में पेन होना लाजमी बनता है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों के लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स भी लेते हैं और इसी के साथ साथ एलोपैथी दवाइयाँ भी लेते हैं। पर दोस्तों, उन दवाइयों से टेम्प्ररी तो वह सही हो जाता है, पर कुछ दिनों के बाद वह बहुत ज़्यादा और बढ़ के आती है वह बीमारी, और आपके घुटनों में और ज़्यादा पेन होता है या फिर आपकी मांसपेशियों मतलब कि मसल्स में और ज़्यादा पेन होने लगता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे तेल के बारे में जो कि पूरी तरीके से आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट के साथ बनाया गया है। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी ब्रांड जो कि है डाबर, उसका यह तेल है जिसके लगाने से आपके मसल्स का पेन भी ठीक होने लगेगा धीरे धीरे, और आपको कुछ ही दिनों में जॉइंट्स पेन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसको रेगुलरली लगाते रहते हैं 1 से 2 मंथ तक, तो आपके जॉइंट्स का पेन पूरी तरीके से ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं इसकी प्राइस के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में, कौन कौन लोग इसको लगा सकते हैं, कौन कौन लोग इसको नहीं लगा सकते हैं, क्या इसको लगाने का सही तरीका होता है और क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो घुमाती रहे और हमेशा स्वस्थ बने रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो यह आपको 115 रुपीज़ की मिलती है। यह आपको किसी मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाती है, और इसी के साथ दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मिलाया गया है महानारायण तेल जो कि मसल्स और आर्थराइटिस के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसी के साथ इसमें पुदीना मिलाया गया है, नीलगिरी ऑयल मिलाया गया है, लौंग तेल मिलाया गया है, और दोस्तों यह सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं। इसी के साथ साथ इसमें सौंठ मिलाई गई है, अश्वगंधा मिलाया गया है, देवदारू मिलाई गई है, हल्दी मिलाई गई है, और दोस्तों इसी के साथ साथ बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं जो कि इस वीडियो में बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके उन इंग्रेडिएंट्स को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके मेनली दो ही बेनिफिट होते हैं जो कि मसल्स का और जॉइंट्स का पेन को ठीक करना। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यह पेन होता क्यों है। तो दोस्तों, अगर आपके जॉइंट में कभी चोट लगी हो, आप कभी गिर गए हो, इसी के साथ अगर आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन की कमी आ गई हो, रिकेट्स हो, या फिर आपको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो, तो आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है। पर अगर आप किसी मसल से बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तो आपको उस मसल्स में पेन होने लगता है, इसी के साथ उसमें स्ट्रेस आ जाता है, और भी अन्य बहुत सारे कारण होते हैं इनके पेन्स के। दोस्तों, आपको किसी प्रकार का पेन हो, आपको कोई भी बीमारी हो, या अगर आप इस ऑयल को लगाते हैं तो आपको उन सारे के सारे टाइप के पेन में आपको रिलीफ मिलता है, और धीरे धीरे करके वह ठीक होने भी लगता है। दोस्तों, कुछ डिसीजेज़ के लिए आपको फर्दर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, अगर आप इस ऑयल को लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा, पर दोस्तों आपको जो दर्द में राहत है वो बहुत जल्द से जल्द मिलने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसके रिजल्ट्स कितने दिनों में मिलते हैं हमें। तो दोस्तों, अगर आपका बहुत पुराना दर्द है जॉइंट्स में तो आपको 10 से लेकर 15 दिन में कुछ राहत मिलना शुरू हो जाएगी। पर दोस्तों, आपको राहत मिलना शुरू हो तो आपको इस ऑयल को लगाना छोड़ना नहीं है, आप लोग इसको कंटिन्यू कम से कम 1 महीने तक लगाएं, उसके बाद ही आप इसको धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू करें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको मसल्स में पेन होता है तो आपको 2 से 5-6 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको अभी अभी 1-2 दिन पहले या फिर 15-20 दिन पहले ही जॉइंट्स का पेन होना शुरू हुआ है तो आप इसको लगाएंगे तो आपको 2-3 दिन में ही राहत मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसमें सारे के सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, और इसी के साथ साथ बहुत अच्छी कंपनी जो कि ये डाबर भाई इसको बनाती है, तो दोस्तों इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है जिससे आपको 100% रिजल्ट मिल सकें। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को एक टावल लेना है, उसको गर्म पानी से भिगोना है, उसको निचोड़ देना है, और दोस्तों फिर उसके बाद उस टावल से आपको अपने इफेक्टेड एरिया को साफ करना है जिसके कारण उसके ओपन पोर्स खुल जाएं। दोस्तों, जब वह सूख जाए तो आपको इस ऑयल की मसाज करना है, उसके बाद इसको आपको पूरे रात भर के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, अब अगर हम इसकी प्रीकॉशन की बात करें कि इसको लेने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों इसका केवल एक ही प्रीकॉशन है कि अभी आपको लेटेस्ट में कोई बहुत बड़ी इंजरी हुई है और अगर आप उस पर लगाना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इस तेल को लगाएं। दोस्तों, अब अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे के सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलाई गई जो कि आपके स्किन को इफेक्ट करें। तो दोस्तों, आई होप आपको सारे के सारे जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिए, और इसी के साथ साथ नॉलेजेबल लगा तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाकर और क्लिक कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।